Assalamualaikum my beautiful YouTube family, I hope आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से ही हो गई है, सुबह बहुत सुबह तो नहीं लेकिन मेरे दिन का जो आगाज़ होता है उससे हुई है। सो आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके थे तो उसके बाद मुझे यही होता है कि रूम्स वगैरह सेट कर दूँ, सभी लोग इसी तरह ही करते हैं, तो मैं आ गई थी अपना रूम वगैरह सेट करने। आज के इस व्लॉग में मैं बड़े मज़े की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बच्चों के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त है, चाहे आप उन्हें लंच बॉक्स में दें या वैसे ही खाने में दिन में घर में दे दें तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो व्लॉग को एंड तक देखिएगा और देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलें, यकीनन लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे। अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। कमरा वगैरह मेरा सेट हो गया था, पिलो वगैरह मैं रख रही थी और मुझे था कि कमरे में थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू हो। लोग रूम फ्रेशनर भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं अपने घर में ज़्यादातर बखूल वगैरह ही लगाना पसंद करती हूँ, तो मैं बखूल वगैरह लगा के कमरे में रख दिया था। फिर जाते हुए मैंने रूम का डोर वगैरह बंद कर दिया क्योंकि मेरे घर में छोटा बेटा है तो मुझे डर लगता है कि वो आके कहीं टच ना कर दे तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके बाद खैर मैं किचन में आ गई थी और व्लॉग मैंने आते ही किचन में स्टार्ट नहीं किया था। सो किचन में आने के बाद असल में आज मुझे काफ़ी ज़रा ज़्यादा काम करना था तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले ही काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। मैंने तमाम कटिंग्स वगैरह कर दी। मैंने अपने एक पहले व्लॉग में बताया हुआ है कि मुझे जब जल्दी जल्दी कुकिंग करनी हो और मुझे एक दो खाने बनाने हो तो वो मैं ऐसे झटपट करती हूँ कि मैं इकट्ठा ही मसाला बनाती हूँ दो हांडियों का और फिर वो अलग अलग डिवाइड कर देती हूँ और फिर आगे से दो खाने अलग अलग जिस तरह जो भी होते हैं, क्योंकि बेसिक तो वही नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाले वगैरह होते हैं तो वो डाल के और फिर बारी बारी उसमें जो भी पकाना हो, चाहे गोश्त है या सब्ज़ी या दाल है, तो उस हिसाब से पका के तो मैं उसको बना लेती हूँ। सो आज भी मुझे शिमला मिर्च बनानी थी और शिमला मिर्च जब भी बनती है तो घर में वो सिर्फ मैं ही खाती हूँ तो मैं अपने लिए बनाती हूँ, और साथ में मुझे कीमा बनाना था, दोनों में आलू ही डलने थे तो बस मैंने पहले कटिंग्स वगैरह करके रख दी और साथ साथ इनका मसाला वगैरह बन रहा था। चीज़ें तो ऑलरेडी कटी हुई थी, मैं बाकी जो भी काम मेरे किचन में काफ़ी आज मुझे काम था तो वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मसाला डन हो चुका था, दोनों जगहों पे मैंने अलग अलग कर दिया, फिर साथ में मैंने उसमें ये शिमला मिर्च डाली और दूसरी तरफ कीमा डाला, हल्का सा इनको भूना और फिर इनको दम पर रख दिया, क्योंकि दम पर रखने के बाद ये सब्ज़ियाँ और ये दोनों डिशेज़ ऐसी हैं कि वो आराम से खुद ही पकती रहती हैं बिल्कुल लो फ्लेम में। बस चेक ये करना होता है कि कहीं नीचे ना लग जाए या जल ना जाए, तो थोड़ा सा मैंने पानी इस वजह से डाल दिया था कि ऐसा कुछ ना रहे और बस फिर वो आराम से पक कर ज़बरदस्त सी तैयार हो गई थी। साथ दोनों साइड पे मैंने सब्जियां रखी हुई थी पकने के लिए, वो दम पे पक रही थी तो मैंने सोचा कि मैं इतनी देर में फ्रूट सैलेड बना लेती हूँ, क्योंकि जो फ्रूट सैलेड होता है ना बच्चे तो लंच में ले जाते हैं और बच्चे खा लेते हैं फ्रूट, लेकिन हम बड़ों को लंच हम बड़ों को फ्रूट खाने के लिए प्रॉपर कोई सैलेड वगैरह बना हो या किसी अच्छी फॉर्म में हो तो ही हम खाते हैं, वरना तो फ्रूट वैसे ही पड़ा ही रह जाता है। सो फ्रूट काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ हुआ था घर में, ये देखें ये मैंगोज़ वगैरह भी थे, मैंगो भी यहाँ पे हर सीज़न में मिल जाते हैं तो फिर वो भी मैं काट करके डाल रही थी। फ्रूट का भी ये होता है कि साथ साथ ही वो यूज़ हो जाए तो वो ख़राब नहीं होता, वरना कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि वो इतने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं वो फौरन ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो और आज मेरे पास काफ़ी तरह का ही फ्रूट था, तो जो फ्रूट सैलेड था वो इटसेल्फ इतना खूबसूरत लग रहा था, हर कलर ही था। वैसे यहाँ पर हर तरह का फ्रूट जो है वो हर सीज़न में मिल जाता है, वैसे तो अब पाकिस्तान में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि सीज़न के बिना भी हर फ्रूट मिल जाता है, और लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा ये होता है कि प्राइसेस जो होती हैं वो सीज़न आउट ऑफ सीज़न जो फ्रूट है उसकी थोड़ी हाई होती हैं, लेकिन यहाँ पे सेम ही प्राइसेस रहती हैं चाहे वो सीज़न है या नहीं। अच्छा, ये था ड्रैगन फ्रूट, और ये ड्रैगन फ्रूट जो है ये बहुत हेल्दी होता है और इसको देखने में बाहर से ऐसे लगता है कि शायद इसका कवर उतारना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही आसान, इसका कवर भी बहुत आराम से पील हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और छोटे छोटे से इसमें ऐसे बीज से होते हैं तो बड़ा मज़े का होता है टेस्ट। खैर इसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, ना ये इतना मीठा होता है ना ही ये इतना कोई सॉर होता है, बस ये बस कुछ खाओगे तो आपको खुद पता लग सकता है इसका कैसा टेस्ट है। खैर कीवी शीवी जितने भी फ्रूट्स मेरे पास इस वक्त थे और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ही कलर्स में थे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही डाल दिए क्योंकि ख़त्म भी हो जाएंगे। बनाना था मैंने कहा वो भी डाल देती हूँ, वैसे बनाना का ये है कि ज़्यादा फ्रूट्स अगर डले हो ना तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है, क्रश हो जाता है उनके दरमियान, तो वो ज़रा मज़े का नहीं लगता। अच्छा, मैं जो फ्रूट सैलड होता है ना उसमें ड्राई फ्रूट ज़रूर डालती हूँ और साथ में अगर मेरे पास खजूर हो तो वो भी डाल देती हूँ, तो उस
इससे ना फ्रूट सैलेड पे आप समझे चार चांद लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा हो तो वो ज़रूर डालें, या किशमिश हो जाए आपके पास तो वो भी थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। और मैं किसी किस्म का कोई जूस या कुछ भी नहीं डालती, जो फ्रूट्स का अपना टेस्ट होता है ना मुझे वही उनमें अच्छा लगता है। या अगर बहुत अगर दिल है तो थोड़ा सा ऑरेंज स्क्वीज़ कर लें अगर है तो। चलें जी अब स्टार्ट करते हैं वो डिश। बेसिकली ये मैंने आज, ये जो मेरा वीडियो का पार्ट है ना ये आज का नहीं है, ये पुराना है, तो ये मैं शेयर अभी इस व्लॉग में कर रही हूँ। अब मुझे ना मैंने कीमा कर लिया था, चिकन का कीमा ऑलरेडी हो चुका है, और ये मेरे पास लेफ्ट ओवर ब्रेड्स थी जो भी थी उनको मैंने, क्योंकि पुरानी थी तो थोड़ी सी हार्ड भी होगी थी, और अगर आपके पास नहीं भी हो तो भी आप इसको दूध में थोड़ी देर के लिए सोक करें। मेरी तो ये ब्रेड्स वगैरह थोड़ी पुरानी थी, लेकिन अगर आपकी नई ताज़ा भी हो तो भी आप उसको थोड़ी देर के लिए दूध में ज़रूर डालें। अब मैं इन सब ब्रेड्स को इसमें जो क्रशर है ब्लेंडर है उसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छे से इनका पेस्ट वगैरह बन जाए, नरम हो जाए। बिल्कुल दूध इतना नहीं डालना क्योंकि वो कीमे में जाके ना वो बिल्कुल ही पतला हो जाए, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा ही आपने डाला है कि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद मैंने जो कीमा था चिकन का वो भी बीच में डाल के मिक्स करी थी, लेकिन जब मैंने इसको कीमे को मिक्स किया तो वो ज़्यादा पतला लग रहा था, तो फिर जो बाकी का कीमा था वो भी इकट्ठा मैंने डाल के अच्छे से उसका पेस्ट वगैरह बना लिया। पेस्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गया था। फिर मेरे पास जिंजर गार्लिक जो पाउडर था वो था, वो अगर वो ऑप्शनल है तो आप डालें, नहीं हो तो नहीं डालें, लेकिन मैंने इसमें कोई पेस्ट नहीं डाला। फिर उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च होती है रेड चिली पाउडर, और फिर जो गरम मसाला होता है कुटा हुआ वो थोड़ा सा इसमें डाला, और जो इसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है सोया सॉस और ओरिगेनो और पेपरिका, ये तीन चीज़ें आप इसमें ज़रूर डालें। लेकिन अगर नहीं भी हो तो चलें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो सोया सॉस हो वो प्लीज़ आप ज़रूर डालें, थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ा सा ही पेपरिका डाला, क्योंकि मैं बेसिकली ये बच्चों के लिए बना रही थी तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना था। अब मैं इसमें डाल रही थी सोया सॉस। सोया सॉस ऑलमोस्ट मैंने इसमें दो खाने के जो चम्मच होते हैं उसके बराबर डाला होगा, तकरीबन 1 kg ये चिकन और सारा जितना भी ये मटेरियल है 1 kg होगा। हसबे ज़रूरत नमक ऐड करें और अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको तकरीबन कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया, क्योंकि इस तरह जो आपने कीमे को उन सब चीज़ों को अच्छे से वो ब्लेंड किया होता है ना उसके बाद कीमा ज़रा नरम हो जाता है, और फिर थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दो तो वो सेटल हो जाता है, और उसके बाद फिर कुछ भी आपने बनाना हो किसी भी किस्म की कोई चीज़ तो वो फिर ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अच्छा ये मैंने क्रम जो है ये मैंने बनाया था जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना उनसे, वैसे तो ब्रेड से भी क्रम बना सकते हैं लेकिन मुझे लगता है जो कॉर्नफ्लेक्स से बने हुए क्रम्स होते हैं ना वो ज़्यादा मज़े के होते हैं, और अगर चीज़ पे क्रम कुछ कम यूज़ करना हो तो फिर ये कॉर्नफ्लेक्स वाले क्रम बड़े मज़े के लगते हैं। और दूसरी बात अगर हमने चिकन बनाना है KFC स्टाइल का तो उस पर भी कॉर्नफ्लेक्स वाले क्रम ज़्यादा मज़े के होते हैं। फिर उसके बाद ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड किया और मिक्स कर लिया। फिर दो अंडे लेकर और थोड़ा सा दूध लेकर उनको भी अच्छे से मिक्स करके मैंने रख लिया, क्यों मुझे जस्ट अभी ख्याल आया मैंने अपनी इस डिश का नाम ही नहीं बताया। अच्छा ये जी हैं चिकन के पॉप्सिकल्स हैं जो बच्चों को खाना बहुत ही मज़े के लगेंगे, वैसे भी पॉप्सिकल्स बच्चों को बड़े पसंद होते हैं लेकिन ये चिकन के हैं तो और ही मज़े के हो। अच्छा ये पॉप्सिकल स्टिक्स बनाने के लिए, वैसे तो प्रॉपर पॉप्सिकल स्टिक्स भी मिल जाती हैं लेकिन मुझे जब मैं लेने के लिए गई थी तो मुझे मिली नहीं, तो यहाँ पे ना मोस्टली कहवा या टी वगैरह को मिक्स करने के लिए अगर आप बारबेक्यू वगैरह पे या कहीं बाहर हो तो इस तरह की स्टिक्स मिलती हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हीं पर कर लूँ। बस फ़र्क इतना होता है कि वो ज़रा पतली ज़्यादा होती हैं तो मैंने दो दो यूज़ कर ली थी। खैर मेरे पास बटर वाला स्प्रे था वो भी मैंने रख लिया, वैसे आप ऑयल वगैरह या वैसे ही बटर वगैरह हाथ पे लगाएं ताकि वो चिकन चिपके नहीं, तो मैं स्प्रे करती जा रही थी और जस्ट पॉप्सिकल की स्टाइल में इनको उस स्टिक्स पे लगाती जा रही थी। फिर थोड़ा सा अंडा लगा के, फिर थोड़ा सा ऑल पर्पज़ फ्लोर पर लगा के और क्रम लगा के बस ऐसे वन बाय वन उनको बना बना के रखती जा रही थी। अच्छा जो इसकी शेप है वो बिल्कुल पॉप्सिकल्स वाली ही है, ना बहुत ज़्यादा थिक रखने हैं कि वो अंदर से कच्चे रह दें और ना ही बहुत पतले ताकि स्टिक से टूट ना जाए। स्टिक्स जो हैं वो ज़रा मैंने चपटी करके रखी थी ताकि वो ऐसे दूसरी तरह अगर रखती ना तो वो उसको तोड़ के हो जाते, बाहर आ जाते या ख़राब हो जाते। मैंने ये बनाए हुए पुराने एक व्लॉग के लिए थे लेकिन वो व्लॉग बहुत लंबा होने की वजह से वो मैंने उसमें इस हिस्से को शामिल नहीं किया, और उस व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ये अपने नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगी, साथ में ही बच्चों को
इसका जो आफ्टर रिजल्ट होता है खिलाने के बाद, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा है। सो आज के व्लॉग में ये दोनों ही चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, ताकि आपको एक अच्छा परफेक्ट जो रिव्यू है वो मेरी तरफ से ही सबसे पहले मिले, फिर आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इस तरह ये मैं बना बना के रखती जा रही थी, अच्छे से इसको फ्रीज़ भी आप कर सकते हैं, मोर देन वन मंथ के लिए आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। मैं ये देख सकते हैं आप, वन कोटिंग इसको अंडे में करके थोड़ा सा ऑल पर्पज़ फ्लोर लगा के, और फिर जो क्रम है वो मैं ज़्यादा नहीं लगाती, मुझे ज़्यादा इसलिए भी नहीं लगाना पसंद कि जब इनको आप फ्राई कर रहे होते हैं, डीप फ्राई या जिस तरह भी, तो अगर क्रम लगाओ तो क्रम का एकदम से कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो अंदर से चीज़ कच्ची रह जाती है, इसलिए मैं क्रम थोड़े कम कम लगाती हूँ। अच्छा, जितने जितने मेरे ये बनते जा रहे थे, वन वन लेयर को मैं फ्रीज़र में रखती जा रही थी ताकि वो थोड़े से सेटल हो जाए, और फिर उसके बाद मैं लेयर बाय लेयर जो भी जितनी भी लेयर्स थी इनकी, बन बन के जितने भी ये तैयार हो रहे थे, उनको एक दूसरे के ऊपर रख कर मैंने फिर फ्रीज़र में स्टोर कर दिया था। जब ये एक बार स्टोर हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, फिर उसको एयर लॉक बैग में आप रख कर आराम से मोर देन वन मंथ स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इनको बनाने के ना दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर बेस्ट तरीका तो ये है कि थोड़ी देर पहले इनको निकाल के ज़रा डीफ्रॉस्ट कर लें, और उसके बाद चाहे तो आपको आप इन्हें शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें। मैंने तो डीप फ्राई किया था, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं बच्चे कैसे मज़े इससे खा रहे हैं। इवन मेरा छोटा बेटा 1.5 ईयर का है, तो उसको भी इतने ज़्यादा अच्छे लगे थे, क्योंकि स्टिक होती है ना, तो खाना ईजी भी बहुत होता है, बच्चे आराम से टीवी देखते देखते खा लें, स्कूल में है तो वो आराम से खा लेंगे, और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और ये फुल मील है, चिकन के अंदर ब्रेड भी डला होता है, और हल्के से सारा वो अंडा शंडा भी लगा होता है, तो बड़े ही हेल्दी हैं। अच्छा, खैर ये सारा काम तो मेरा जी ख़त्म हो गया, रात हो चुकी थी, तो मुझे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम था जो मैंने कहा लगे हाथों कर लूँ। मैंने यहाँ पे ना, हमारे घरों में तो इतनी स्टोरेज होती नहीं है, तो पार्किंग में अक्सर लोग अपनी जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे अपना कुछ एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं, तो मैं भी आज ट्रॉली में डाल के, एक मेरा बैग था जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी जो काफ़ी अरसे से मैंने टेरेस पर रखी हुई थी, तो वो मैं अपने पार्किंग एरिया में रखने आई थी। खैर अब ये मैं सामान वगैरह रख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों ने ही इसी तरह ही रखा होता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना अपनी इस पार्किंग एरिया को मैं भी यूज़ करूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही कुछ रखा है, लेकिन ऑलरेडी ये देखे बाहर का व्यू कितना ज़्यादा गहमा गहमी, और कितना रश है गाड़ियों का, बड़े लोग रहते हैं इस एरिया में। जब हम यहाँ मूव हुए थे तो बहुत ही कम लोग थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं। खैर मैं अपना सामान रख रही हूँ, व्लॉग मेरा ऑलमोस्ट आज का ख़त्म हो गया, होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। खैर व्लॉग ख़त्म हो गया है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।